हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दिव्य मंदिर दर्शन पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसकी ज़मीन पर सोने से महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस मंदिर में देवी माता महिलाओं को गर्भवती होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं दिव्य मंदिर दर्शन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली ऐसी वीडियो मिलती रहें। दोस्तों हर औरत के लिए माँ बनना एक सौभाग्य होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण कई महिलाओं को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन हिमाचल प्रदेश के सिमसा में एक ऐसा मंदिर है जहां माता सिमसा महिलाओं को गर्भवती होने का आशीर्वाद देती है। कहा जाता है इस मंदिर में संतानहीन लोगों को संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। माँ सिमसा का यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ियों के बीच सिमसा गाँव में स्थित है। मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है इस मंदिर के फर्श पर जो महिलाएं सोती हैं वे गर्भवती हो जाती हैं। देवी सिमसा खुद अपने भक्तों के सपने में आकर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दोस्तों उन्हें देती है। और हिमाचल का ये अनोखा और चमत्कारी मंदिर दोस्तों संतान दात्री के नाम से भी प्रसिद्ध है और लोगों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। हर साल यहाँ सैकड़ों निसंतान दंपत्ति संतान पाने की इच्छा लेकर माता सिमसा के दरबार में आते हैं। माता सिमसा मंदिर में दोस्तों नवरात्रों में एक खास और विशेष उत्सव होता है जिसे स्थानीय भाषा में शिलिंद्रा कहा जाता है, और शिलिंद्रा का अर्थ होता है ड्रीम यानी स्वप्न। और इसी समय दोस्तों निसंतान महिलाएँ दिन रात मंदिर के फर्श पर सोती हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से वो जल्द ही गर्भवती हो जाती है। इस मंदिर में मान्यता है कि माता सिमसा सपने में महिलाओं को फल देती है तो उस महिलाओं को संतान का आशीर्वाद मिल जाता है। मान्यता के अनुसार दोस्तों यदि कोई महिला स्वप्न में कोई कंद फूल या फल प्राप्त करती है तो उस महिलाओं को संतान का सुख मिल जाता है। देवी सिमसा आने वाले संतान के लिंग निर्धारण का भी दोस्तों संकेत देती है। जैसे कि किसी महिलाओं को अगर अमरूद का फल मिलता है तो समझ ले कि लड़का होगा, और अगर किसी महिलाओं को सपने में भिंडी प्राप्त होती है तो समझे कि संतान के रूप में लड़की प्राप्त होगी, और यदि किसी को धातु लकड़ी या पत्थर की बनी कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है तो समझा जाता है कि उसके संतान प्राप्ति का आशीर्वाद माता ने नहीं दिया है। सपना मिलने के बाद दोस्तों महिलाएं तुरंत ही धरना व मंदिर परिसर छोड़ देती हैं। कहा जाता है कि अगर सपने के बाद भी यदि कोई महिला अपना बिस्तर मंदिर परिसर से नहीं हटाती तो उसके शरीर में खुजली होने लगती है और साथ ही उसे लाल दाग भी हो जाते हैं जिसके कारण उसे वहाँ से जाना पड़ता है। इस मंदिर पर दोस्तों आने वाले भक्तों का एक अटूट विश्वास है। यह संयोग है या माता का कोई चमत्कार यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ आने वाले की मुराद जरूर पूरी होती है। माता सिमसा मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का तांका लगा रहता है और खास तौर पर नवरात्रों में यहाँ भीड़ अधिक हो जाती है तथा उत्सव का माहौल हमेशा बना रहता है।